खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ पूजा कविया। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल खत्म नहीं हुई है। आपको बता दें, मनोहर सरकार की मुश्किलें कम भी होती हुई नजर नहीं आ रही। चार दिन से जनता बेहाल है और बसों के लिए मारामारी फिर रही है। इसके अलावा सरकार बसों से लेकर स्कूल बसों का सहारा ले रही है। रोडवेज की हड़ताल और एक्शन में सरकार, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। रोडवेज बस ड्राइवर पर स्याही फेंकी गई है। जी हां, खबर सोनीपत से आ रही है। तो रोडवेज के 5 कर्मचारियों पर मामला दर्ज। अब मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। सोनीपत से खबर, जहां पर रोडवेज बस ड्राइवर पर स्याही फेंकी गई और 5 रोडवेज के कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। तो रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल के बीच अब खबर आ रही है कि रोडवेज के कर्मचारी पर स्याही फेंकी गई है। हालांकि किसने स्याही फेंकी, बस ड्राइवर पर कौन थे ये लोग और किस वजह से फेंकी गई है, ये सवाल बने हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। बस ड्राइवर पर स्याही फेंकी गई है, जिसमें 5 लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं। तो रोडवेज के 5 कर्मचारियों पर इसको लेकर मामला भी दर्ज किया गया है। तो अब स्याही फेंकी जा रही है, मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं सोनीपत की, जहां पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये स्याही फेंकी गई है, तमाम सवाल जांच का विषय बन चुके हैं। तो खबर सोनीपत से, जहां पर रोडवेज बस ड्राइवर पर स्याही फेंक दी गई, 5 लोग जो 5 कर्मचारी हैं उनके खिलाफ मामला भी इसमें दर्ज हुआ है। तो 4 दिन की हड़ताल के बाद अब रोडवेज कर्मचारियों ने एक नया ऐलान कर दिया। हड़ताल को अब 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं सरकार भी हड़ताल को लेकर एक्शन में है। सरकार ने नई भर्तियां शुरू कर दी हैं और निजी बसों को सड़कों पर उतार दिया है। दिनों से प्रदेश में रोडवेज बसों के पहिए थमे हुए हैं, लोग परेशानी झेल रहे हैं और सरकार हड़ताल का तोड़ निकालने में लगी हुई है। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का आज 4th दिन है। 4 दिन से कर्मचारी हड़ताल कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों और सरकार में तनातनी चरम पर पहुंच गई है। बुरी तरह से चरमरा चुकी परिवहन व्यवस्था को संभालने के लिए सरकार भी मैदान में उतर चुकी है। निजी स्कूल, कॉलेजों और कंपनियों की बसों का सहारा लिया जा रहा है। यमुनानगर में 55 स्कूल बसों को मंगवाया गया। पुलिस कर्मचारी से लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर के हवाले बसों को किया गया और लोगों को राहत देने की कोशिश की गयी। दशहरा का त्यौहार मना रहे हैं, उसके लिए हमने हर तरह से प्रयास किए हैं। अब हमारे पास 55 स्कूल बसें आ चुकी हैं और स्टाफ भी उपलब्ध हैं और हर तरफ हम जो भी हर जगह पे बसों की सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ बिल्कुल स्मूथ ऑपरेशन है। हालांकि जनता की परेशानी फिर भी कम नहीं हो रही है। सोनीपत में पूरी तरह रोडवेज का चक्का जाम नजर आया। सुविधा के लिए चलाई बसें स्टैंड तक ही नहीं पहुंची। त्योहारों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से 150 निजी बस चलाई गई थी, पर यात्रियों को ये भी नसीब नहीं हुई। तो है जी, मेडिकल में जाना था मरीज के पास खाना लेके, पर अब क्या करें, प्राइवेट पकड़नी पड़ेगी। प्राइवेट बसें चलाई गई हैं, कोई पहुंची यहाँ? नहीं पहुंची, तो पता नहीं था घर से, हमने तो बिना ही पते चले आए। जिला प्रशासन द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा प्रयास किया गया है कि हम प्राइवेट बसें हायर करके 30 किलोमीटर पर 30 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लोगों को त्योहारों के दिन सुविधा उपलब्ध कराएं। तो उसी में आज हमने करीब अभी तक 40 बसें तो अलग अलग रूट पर भेज दी गई है और पूरे दिन में हम 80 बसें और भेजेंगे और उससे और भी ज़्यादा कोई ज़रूरत अगर कहीं रहती है तो वहाँ और भी बसें उपलब्ध कराई जाएगी। और किसी
तो दूसरी तरफ कंडक्टर और ड्राइवर के लिए सरकार ने भर्ती के दरवाजे खोल दिए हैं। प्रदेश में 905 कंडक्टरों और 504 ड्राइवरों की भर्ती की जाएगी। भर्ती को लेकर फतेहाबाद में युवाओं का उत्साह देखने को मिला। ऐसे में सरकार के इस कदम से ये जरूर साफ हो गया कि अब कर्मचारियों की हड़ताल के आगे सरकार नहीं झुकेगी, चाहे इसके लिए करोड़ों का नुकसान झेलना पड़े या फिर नई भर्तियां ही क्यों ना करनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रोडवेज की हड़ताल का मसला दरअसल कोई नया नहीं है। इससे पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो रोडवेज के कर्मचारी सबसे ज्यादा सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, सबसे ज्यादा प्रदर्शन इनके द्वारा किए गए। सरकार से तमाम बातचीत हुई, बैठकें हुई, लेकिन बेनतीजा रही। सवाल इसको लेकर उठ रहा है कि आखिरकार कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। अब ये हड़ताल है या हट धर्मिता है, सरकार इसको लेकर कितना एक्शन और कब तक कर पाएगी, तमाम सवाल है। अब रोडवेज की हड़ताल से जो सरकार एक्शन में है वो हम आपको बता रहे हैं। 200 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जो प्रदर्शन कर रहे थे। करनाल में 44, गुरुग्राम में 70 और पानीपत में 18 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। 192 कर्मचारियों पर केस दर्ज करवाए गए हैं। इसके अलावा अंबाला में 11 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको बर्खास्त किया जा चुका है। इस हड़ताल की वजह से यहां बसों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। इस सवाल इसको लेकर अब उठ रहे हैं कि आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा। सिरसा में आउटसोर्सिंग पर लगे 5 हड़ताली कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया गया। कैथल से संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, कैथल की बात की जाए, कितना असर अब दिख रहा है प्राइवेट बसों को चलाने की बात जो की जा रही है, क्या जनता को सहूलियत उनसे मिल पा रही है? जी, आपको बता देंगे कैथल के अंदर लोकल रूटों पर लगभग सभी बसें चला दी गई है, प्राइवेट बसें चला दी गई है, सरकारी स्कूल की बसों को इसमें ले लिया गया है और सॉरी प्राइवेट स्कूल की बसों को इसमें ले और प्राइवेट स्कूल के बसों और परिचालकों को बस चलाने की एवरेज में 30 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से इनको दिया जाएगा। फिर आने तो 12 लाख रुपए एक दिन के हिसाब से हरियाणा रोडवेज कैथल को नुकसान हो रहा है। ठीक है, नुकसान हो रहा है लेकिन जनता की सहूलियत के लिए सरकार को करना पड़ रहा है। विपिन, इसके अलावा जो प्राइवेट बसों में जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनकी क्या कुछ जानकारी उनके बारे में मिल रही है? क्या उनके पास सब तमाम चीजें हैं, लाइसेंस है हैवी व्हीकल का, या तमाम जो तकनीकी चीजें प्रशिक्षण चाहिए होता है वो क्या उन सबके साथ है, या फिर सरकार जल्दबाजी में कुछ कदम उठा रही है? जी, अभी अगर देखा जाए तो इस बात को नहीं जांचा परखा जा रहा है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। सिर्फ जो प्राइवेट बसें पहले चल रही थी उनको दोबारा हायर कर लिया गया। आपको एक बार और बता दें कि जो प्राइवेट स्कूल की बसों को लिया गया है उनके अंदर जो टिकटें काटी जा रही, टिकटें नहीं काटी जा रही हैं, सिर्फ उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वो जो पैसा लाकर शाम को देंगे उसे जमा कर लिया जाएगा। तो इस वजह से भी इसमें नुकसान काफी हो रहा है। बहुत शुक्रिया विपिन आपका। तो कैथल की हमने आपको जानकारी दी। अब सोनीपत के हालात बताने के लिए लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, सोनीपत में फिलहाल प्राइवेट बसेस कितनी चल रही हैं, जनता को कितनी सहूलियत वहां पर मिल रही है, और जो कंडक्टर और जो ड्राइवर्स की भर्ती की प्रक्रिया है क्या वो भी शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में लगातार तीसरे दिन भी हरियाणा रोडवेज की हड़ताल जारी रही, जो उसको लेकर काफी एक बड़ा जो प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से एक योजना बनाई गई, जो कि प्राइवेट वाहनों को जो बस है उनको चालू किया गया। और सबसे बड़ी बात ये भी रहा कि जो यात्री है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी 3 से 4 गाड़ियां लगाई गई है जो कि यात्रियों को जाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो आज अगर बात करें तो हरियाणा रोडवेज की तरफ से देश को काफी नुकसान पहुंच रहा है, सरकार इस बात को चिंतित है कि इसको जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए। जी बिल्कुल, भरपाई इसकी कैसे होगी, सवाल बना हुआ। शुक्रिया लाजपत राय आपका, सोनीपत से लाजपत हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि ठीक है प्राइवेट बसें चला दी गई हैं, भर्तियां भी हो रही हैं, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है सरकार अभी इसका आकलन नहीं लगाने वाली है। सरकार की मंशा इस वक्त यह है कि जनता को सहूलियत पहुंचे, लेकिन एक सवाल सरकार से भी यहां पर, क्या जनता को सहूलियत पहुंचाने के लिए यही रास्ता बचा था? क्या जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी? क्या इसका समाधान नहीं निकल पाएगा? क्या इस पूरे मसले को लेकर हम लगातार देख रहे हैं महीने दो महीने में इस तरह से हड़ताल पर ये बैठ जाते हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या यही जो चलन है आगे भी चलता रहेगा या इसको लेकर सरकार कुछ पुख्ता इंतजाम करेगी? सवाल बहुत सारे हैं। तो रोडवेज की हड़ताल
चल रही है, लेकिन सरकार भी एक्शन में है। और सरकार कितनी एक्शन में है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जनता को सहूलियत कितनी मिल रही है, तमाम सवालों को लेकर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात आज हड़ताल की और हड़तालियों की, आखिरकार कब तक सरकार रोडवेज कर्मचारियों के बीच ये मनमुटाव चलता रहेगा, क्यों दोनों के बीच जो तकरार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तमाम सवाल आज इसी को लेकर। साथ ही ये भी हम आपको बता रहे हैं कहां कहां पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। करनाल में 44, गुरुग्राम में 70, पानीपत में 18 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, 192 कर्मचारियों पर केस दर्ज अब तक हो चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने भी दो टूक सरकार को कह दिया कि जब तक उनकी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक अपना डिसीजन वो नहीं बदलने वाले। इससे पहले भी बार बार यही स्थिति आती है कि सड़कों पर उतरना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, फिर सरकार आश्वासन देती है कर्मचारियों की, लेकिन वो जो आश्वासन है पूरा नहीं हो पाता। हरियाणा रोडवेज के तालमेल कमेटी के सदस्य हमारे साथ अजय शर्मा जी फोन लाइन पर हैं। अजय शर्मा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार जी, सुन पा रहा हूँ। अजय शर्मा जी, अभी तक हड़ताल चल रही है आपकी, आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि सरकार ने तो सख्ती दिखानी शुरू कर दी, एक्शन भी ले रही है सरकार अब जी। सर जी, हम बिल्कुल आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हरियाणा की आम जनता से पहले तो हम अपील करते हैं कि जो हम हड़ताल 72 घंटे के आगे और निर्णय लिया तालमेल कमेटी ने बढ़ाने का, उसके लिए असम याचना करते हैं जनता से। दूसरा, हम जनता को परेशान कर खुश नहीं है। जो हरियाणा रोडवेज में 720 प्राइवेट परमिट लाने के लिए जो सरकार एक अड़ियल रवैया अपनाते हुए अड़ी हुई है, हम सरकार से बिल्कुल आज भी अपील करते हैं, पहले भी बातचीत उसमें भी अपील की है तालमेल कमेटी के जो हमारे सीनियर साथी उन्होंने कि प्राइवेट परमिट लेने से आम जनता को नुकसान होगा। हम रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो हमारी तनख्वाह के लिए, हमारे भत्तों के लिए, हमारे टीओ टेन के लिए, अन्य हमारी तो निजी मांग के लिए ना मांग करके सरकार से चाहते हैं कि 720 प्राइवेट के बदले 5000 बसें रोडवेज बेड़े में नहीं लाए, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हर रैली में हर समारोह में बार बार हरियाणा जनता को कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इससे साफ सरकार से जो आपकी मांगे हैं वो हमने सुनी। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? हेलो जी बीरेंद्र सिंह जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? जी नमस्ते। बीरेंद्र सिंह जी, रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर अडिग हैं, सरकार एक्शन भी ले रही है, किस तरह से समाधान इसका निकलेगा, क्योंकि प्राइवेट बसेस को लाना या फिर एकदम से भर्तियां ला देना, क्या ये समाधान है, इसका स्थायी समाधान यही है? देखिए, सरकार लगातार जो परिवहन निगम के कर्मचारी हैं जो आज हड़ताल पर हैं या पहले हड़ताल पे जाने की बात कर रहे थे, उनके साथ लगातार संवाद करती रही है। सरकार ने अपनी नीति बिल्कुल उनको स्पष्ट रूप से बताई है। सरकार अगर कहीं रोडवेज में कुछ निजी परमिट जारी करने की नीति आई तो उस वो कोई जनता के विरोध में है, लोगों के विरोध में है, ऐसा नहीं है। लोगों प्राइवेट क्षेत्र में जो लोग काम करेंगे, अभी जो साथी बोल रहे थे वो कह रहे थे कि रोजगार दीजिए रोडवेज में, नई बसें खरीद के, निश्चित रोडवेज की जब नई बसें खरीदी जाती हैं, खरीदी जा भी रही हैं, उसमें से भी रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन जब निजी क्षेत्र में भी कोई बस खरीदते हैं उद्यमी हरियाणा के या अपने देश के, तो उसमें भी रोजगार पैदा होता है। नहीं, लेकिन ठीक है ठीक है बीरेंद्र सिंह जी, रोजगार की बात तो ठीक है, लेकिन इसका समाधान निकालेंगे कैसे आप? कर्मचारी एक तरफ हड़ताल पर बैठे हैं, दूसरी तरफ इस तरह से निजी जो बसेस हैं वो चलाई जा रही हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा इससे कितना नुकसान हो रहा है?
और जो आंदोलनकारी कर्मचारी हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनको जो वेतन मिलता है, उनको जो पारिश्रमिक और मान्यता मिलता है, वो जनता की सेवा करने के लिए मिलता है, करने के लिए नहीं मिलता। उनके उनकी हड़ताल के कारण और उनकी हमदर्दिता के कारण आम नागरिकों को, आम हरियाणवियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उनसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है, परेशानी बहुत हो रही है, खड़े होने की जिम्मेदारी है। अजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं आप? जुड़े हुए जी। जी, आम जनता को परेशानी हो रही है आपकी हर धर्मिता की वजह से, जनता के बारे में सोच रहे हैं क्या आप? हम जनता के बारे में सोच रहे हैं, जनता के लिए रहे हैं, जो समाप्त माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार एक तरफ तो कह बेरोजगारों को रोक सकेंगे, एक तरफ सरकारी जो विभाग है उनको बिल्कुल क्यों सरकार प्राइवेट बस, एक बस पे दो आदमी होंगे, प्राइवेट क्यों फायदे के लिए होगी? लेकिन लेकिन आप दोनों से अपील है, आप जिस तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं फोन लाइन पर, अपील आपसे यही है कि आपस में आप लोग बात कीजिए, क्योंकि इसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। अगर सरकार और कर्मचारियों की ऐसे ही हठधर्मिता चलती रही, ऐसे ही आपस में मतभेद चलते रहे, तो वाकई में जनता के साथ साथ करोड़ों रुपए का नुकसान इस प्रदेश को झेलना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। अब ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल और कब तक रहती है, आगे की इनकी रणनीति क्या रहने वाली है, और सरकार का ये जो एक्शन है कितना कारगर साबित होता है, ये जरूर देखना होगा। फिलहाल खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।